किसान की पत्नी किसान से कहती है, सुनिए जी, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। घर में जलाने को एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। आप आज जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आना। जाता हूँ, मैं अपनी धोती को दाना डालूं, अभी जाता हूँ। ऐसा कहते हुए किसान पिंजरे में कैद एक धोती को दाना डालता है। मियां मिठू चूरी खाओगे? बोलो भी, मैं कितने दिनों से तुम्हें दाना डाल रहा हूँ और एक तुम हो के बोलती ही नहीं हो। ये तोती बहुत उदास रहती है, ये बोलने वाली नहीं। तुम जाओ और अपना काम करो। किसान अपना कुल्हाड़ा लेता है और जंगल में लकड़ियां लेने चला जाता है। किसान अभी जंगल में पहुंचा ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। किसान खुद को बारिश से बचाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। कौवा और कौवी गुफा में छुपे हुए बैठे थे। तोते मिठू, बारिश बहुत तेज है, हम ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकते, हम गुफा में जाकर छुप जाते हैं। हाँ चिड़िया, और जब बारिश रुकेगी तो हम अपने घर चले जाएंगे। चिड़िया और तोता भी गुफा में चले जाते हैं। चिड़िया, अच्छा ही हुआ जो तुम भी यहाँ आ गई, ये बारिश तो ना जाने किस किस की जान लेगी। अभी पिछली बारिश में मिठू की पत्नी मिठू से खो गई। हरियाली घर से दाना लेने गई थी मगर लौट कर ना आई। तोता रोने लग जाता है। वो देखो सामने उस बड़े पेड़ के नीचे एक इंसान खड़ा है, वो यहाँ क्या करने आया होगा? शायद वो इंसान मुश्किल में है, वो खुद को बारिश से बचाने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा है, हमें उसकी मदद करना होगी। कोई मदद नहीं करेगा, इंसान जालिम होता है, उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। तोते भैया, बारिश तेज है, बारिश में भीगकर वो इंसान बीमार भी हो सकता है, हम उसे यहाँ ले आते हैं। चिड़िया, ना, ऐसा ना करना, कहीं वो हमें ही ना पकड़ ले। वो तो खुद मुसीबत में है, वो किसी को क्या नुकसान पहुँचाएगा। किसी की ना सुनते हुए चिड़िया इंसान के पास जाती है। आप यहाँ ना खड़े हो, ऊपर से कोई बड़े डाल टूट कर आपके सर पर लग सकती है। चिड़िया, मैं घर से लकड़ियाँ लेने आया था कि बारिश शुरू हो गई, मेरे पास कोई दूसरा आश्रय नहीं है। आप मेरे साथ आइए, आप गुफा में हमारे साथ बारिश के रुकने तक आश्रय ले सकते हैं। चिड़िया किसान को गुफा में ले जाती है। धन्यवाद पक्षियों, यहाँ तो बहुत सुकून है, ना तेज हवा ना बारिश। मगर कोई भी पक्षी इंसान की बात का जवाब नहीं देता, शायद वो सब इंसान से बहुत डरे हुए थे। हम पक्षी देर रात जंगल में रहते हैं, इसलिए हमने मौसम से मुकाबला करने के उपाय ढूंढ रखे हैं। बारिश काफ़ी देर तक होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिश थम जाती है। चिड़िया, बारिश रुक गई है, अब हमें वापस जाना चाहिए। तोता, बोलने वाला तोता, ये तो लाखों का है, मेरे पास जोड़ा हो जाएगा, मैं इसे पकड़कर अपने साथ ले जाता हूँ। किसान आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मिठू तोते को गर्दन से पकड़ लेता है। क्या हुआ? मैंने क्या किया है? छोड़ो मुझे। इंसान, आपने मिठू को क्यों पकड़ लिया है? ये मर जाएगा, इसे छोड़ दें। कौवा और कौवी डरकर एक कोने में लग जाते हैं। ये बोलने वाला तोता लाखों का है, मैं अमीर बन गया। वो इंसान तोते को लेकर वहाँ से निकल जाता है। चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, किसी की ना सुनी, हम सब ने तुम्हें रोका था, मगर तुम्हें बहुत शौक था इंसान की मदद करने का, अब सजा भुगती है बेचारे मिठू तोते ने। वो मारेगा, वो इंसान मिठू तोते को पिंजरे में कैद कर देगा। मुझे नहीं एहसास था कि इंसान इतना जालिम भी हो सकता है, वो मदद करने वाले को ही नुकसान पहुंचा सकता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, देखो मुझे क्या मिला है, मुझे बोलने वाला तोता मिल गया। ऐसा कहते हुए इंसान मिठू को दूसरे तोते वाले पिंजरे में कैद कर देता है और वहां से चला जाता है। हरियाली, तुम यहाँ हो?
पति जी, ये इंसान आपको भी पकड़ लाया है। जब बारिश के बाद तुम लौट कर ना आई तो सबने यही समझा कि तुम मर गई हो। अगर ये इंसान मुझे यहाँ ना लेकर आता तो कभी मैं तुमसे मिल ना पाता। अच्छा किया इंसान ने जो मुझे भी पकड़ कर यहाँ ले आया। पति जी, मगर अब मेरे साथ साथ आपको भी इस कैद में जिंदगी गुजारनी होगी। ये इंसान हर रोज मुझे बोलने का कहता है, मगर मैं इसके सामने बात नहीं करती। जिस दिन मैंने बात की, ये मुझे बर्ड मार्केट में बेच देगा। बच्चों, मैं जा रही हूँ, मुझे मिठू तोते की मदद करनी है। अपना ख्याल रखना। मम्मा, मैं भाई का ख्याल रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए और अपने साथी की मदद करें। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए यूट्यूब सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। आज किसान अपने खेत में काम कर रहा था। चिड़िया किसान के पास जाती है। जालिम इंसान, मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने हमें धोखा दिया। मेरा दोस्त कहाँ है? उसे छोड़ दो, मैं अपने दोस्त को लेने आई हूँ। हम इंसान हाथ आया माल वापस नहीं करते, कैसे छोड़ दूँ? वो तो लाखों में बिकेगा। रविवार को मंडी में जाऊंगा और बेच दूंगा उसे। चिड़िया वहाँ से उड़ती है और बस्ती में लुहार के पास जाती है। लुहार इंसान, मेरी मदद करो, किसान ने मेरे दोस्त को पकड़ कर कैद कर लिया है। आप पिंजरा काट कर मेरे दोस्त को आजाद करवा दो। नहीं मानेगा और ना ही किसान मुझे उस पिंजरे के पास जाने देगा। चिड़िया, एक ही रास्ता है, तुम राजा के पास जाओ और राजा को जाकर सारी बात बताओ। एक राजा ही है जो किसान को सीधा कर सकता है। मगर राजा जी मुझे कहाँ मिलेंगे? बस्ती के आखिर पर, जब बस्ती खत्म होगी तो साथ ही राजा का महल है, तुम वहाँ जाओ। चिड़िया उड़ती है, वो किसी भी तरह अपने दोस्त की मदद करना चाहती थी। हरियाली, दाना खा लो, तुम्हें मेरी कसम मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जंगल की आजाद हवा न सही, मुझे तुम्हारा साथ तो मिल गया। मरेंगे साथ और जिएंगे साथ। पति जी, मुझे डर है ये इंसान हम दोनों को फिर से जुदा कर देगा। चिड़िया ऊंचे मीनार के रास्ते महल के अंदर चली जाती है। वो सबसे बचती हुई सीधी राजा जी के पास पहुंच जाती है। राजा जी, इंसानों के राजा, मेरी फरियाद सुनिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। राजा नेक दिल इंसान था, वो हर किसी की मदद करता था। बताओ छोटी चिड़िया, क्या बात है? किसान बारिश में भीग रहा था, मैं उसे गुफा के अंदर ले गई और वही इंसान मेरे दोस्त मिट्ठू को पकड़ कर ले आया है। वो मर जाएगा, हम आजाद पंछी कैद में कहाँ जिंदा रह सकते हैं। चिड़िया की बात सुनकर राजा बोलता है। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, अगर इंसान जालिम है तो रहम दिल भी। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। सिपाही, इस चिड़िया के साथ जाओ और आजाद करवाओ उस तोते को। चिड़िया खुश हो जाती है और सिपाही को साथ लेकर किसान के घर की तरफ जाती है। किसान, राजा जी का आदेश है, जो तोता तुमने पकड़ा है उसे छोड़ दो। कौन कौन सा तोता? वही जो तुमने मेरी नेकी के बदले गुफा से पकड़ा था। चिड़िया सामने पिंजरा देख लेती है। वो रहा सामने पिंजरा। सिपाही आगे बढ़ता है और पिंजरे से दोनों तोते आजाद कर देता है। चिड़िया बहुत खुश होती है और तीनों दोस्त दूर जंगल निकल जाते हैं। मिठू, हर काम में कोई ना कोई बेहतरी ही होती है। अगर वो इंसान आपको पकड़ कर ना ले जाता तो आज हरियाली भी आजाद ना होती। मैं तो आज़ादी की उम्मीद छोड़ बैठी थी, मगर मिट्ठू को देखकर मुझे फिर से जीने की आशा हुई। चिड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वो सब खुशी खुशी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था, इसलिए सभी पक्षी बरसात के मौसम को लेकर बहुत चिंतित थे। चिड़िया तोते के पास आती है।
तोते भैया, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ना जाने कब बारिश शुरू हो जाए। चलो हम जंगल से मजबूत लकड़ियाँ लाकर अपने अपने घरों को मरम्मत कर लेते हैं। चुड़िया बहन, मैं कल जंगल गया था, जंगल में सूखी लकड़ियाँ नहीं है। थोड़ी दूर एक कौवा और एक कौवी सूखी लकड़ियाँ बेच रहे हैं। हम उन कौवों से ही सूखी लकड़ियाँ खरीद कर अपना अपना घर मरम्मत कर लेते हैं। दोनों वहाँ बैठे हुए थे कि कबूतर अपने सर पर लकड़ियाँ उठाए वहाँ आ जाता है। चिड़िया और तोते, जाओ जल्दी जाओ और कौवे से सूखी लकड़ियाँ खरीद लो, मैं भी कौवे से ही सूखी लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। कबूतर की बात सुनकर चिड़िया भी मान जाती है। फिर तोता और चिड़िया कौवों के पास सूखी लकड़ियाँ खरीदने चले जाते हैं। कालू, गंदी आंखों वाले कबूतर को तो मैंने एक भी लकड़ी काम की नहीं दी, सब लकड़ियाँ कीड़ा लगी और खराब दी हैं। गोरी गोरी, पहली ही बारिश में कबूतर का घर टूट जाएगा और वो फिर से आएगा और फिर से हमारी खराब लकड़ियाँ खरीद कर ले जाएगा। चिड़िया और तोता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कवि और कवे, हमें कबूतर ने बताया कि आप सूखी लकड़ियाँ बेच रहे हैं, हम भी सूखी लकड़ियाँ लेने आए हैं। ये सुनकर कवि कवे की तरफ देखती है और खुश हो जाती है। बहुत अच्छा किया, आज के ज़माने में कौन मेहनत से जंगल से लकड़ियाँ काटता है। हम है ना, तुम दोनों भी हमसे ही लकड़ियाँ खरीद कर ले जाओ, बहुत मजबूत और पक्की लकड़ियाँ हैं हमारी। ये वाली दो घटरियाँ बहुत मजबूत हैं। गोरी, इन दोनों को इनमें से ही लकड़ियाँ दे दो, क्या ही याद करेंगे ये दोनों। फिर गोरी कवि चिड़िया और तोते को भी खराब और कीड़ा लगी लकड़ियाँ दे देती है। चिड़िया अपना घर मरम्मत कर लेती है, तोता भी अपना काम मुकम्मल कर लेता है। कबूतर ने तो पहले ही अपने घर का काम मुकम्मल कर लिया था। फिर दूसरे दिन ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू, बरसात तो शुरू हो गई, अब देखो उन पक्षियों के घर कब टूटते हैं। गौरी ने अभी इतना ही कहा था कि सबसे पहले कबूतर का घर धड़म से टूटकर नीचे गिर जाता है। गौरी, आवाज सुनी है, लगता है किसी एक का घर तो टूट गया, अब वो दोबारा हमसे सूखी लकड़ियाँ खरीदने आएगा। इस बारिश के मौसम में सारा बेकार माल बिक जाएगा और अब तो मैं दाम भी बढ़ा दूंगी। उन दुष्ट कौवों ने मुझे खराब लकड़ियाँ दे दी, मेरा घर टूट गया, अब मैं कहाँ जाऊँगा ऐसी बारिश में। कबूतर चिड़िया के पास जाता है, मगर चिड़िया तो पहले ही अपने टूटे हुए घर पर बैठी रो रही थी। मैंने कहा था कबूतर भैया, मैंने तोते से कहा भी था कि हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आते हैं, उन कौवों की खराब लकड़ियाँ तो पहली ही बारिश में टूट गई, अभी बरसात का सारा मौसम बाकी है। चिड़िया, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब आगे का सोचो, हमें क्या करना है। खिड़की में बैठा बैठा तोता नीचे छलांग लगाता है क्योंकि उसका घर भी टूट जाता है। तोते ने भी तो कौवों से ही खराब लकड़ियाँ ली थी। तीनों दोस्त बहुत परेशान थे। तोते और कबूतर, अब यहाँ मरने से अच्छा है हम किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल जाएं। उन दुष्ट कौवों का घर तो अभी तक ठीक है, हम पहले उन कौवों के पास जाते हैं, हो सकता है वो कौवे हमें अपने घर में ही रख लें। फिर वो तीनों कौवों के घर जाते हैं। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, बाहर तोता कबूतर और चिड़िया है, लगता है तीनों के घर टूट गए हैं। अब हम दोबारा उन्हें अपनी खराब लकड़ियाँ बेच देते हैं। कौवा और कौवी बाहर आते हैं। तुम तीनों यहाँ क्या बात है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने हमें खराब और कीड़े वाली लकड़ियाँ दी, हम तीनों के घर टूट गए हैं। तो दोबारा लकड़ियाँ ले जाओ और अपने अपने घर फिर से बना लो। नहीं, हम यहाँ लकड़ियाँ लेने नहीं आए, तुम हमें कुछ दिन अपने घर में रख लो, जब बारिश रुकेगी तो हम जंगल से मजबूत लकड़ियाँ काट कर ही अपना अपना घर बनाएंगे। वाह वाह तोते, शक्ल देखी है अपनी, अपने घर में रख लो, चलो चलो भाग यहाँ से।
मेरे घर में तो तुम्हारी चोंच ही आएगी और हम दोनों बाहर पेड़ की डाल पर बैठ जाएंगे। तुम बहुत बुरे हो, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। जाओ जाओ, हमें भाषण न सुनाओ। चलो चिड़िया, हम सब दूसरे जंगल जाते हैं किसी ठिकाने की तलाश में। तो वो याद रखना, जो दूसरों का बुरा चाहता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, सुनी थी उस गंदी आँखों वाले की बात? हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। कालू जी, हमारा घर तो मजबूत है ना, अभी तक तो टिका हुआ है। बना तो ये भी उन्हीं खराब लकड़ियों से है। कालू जी, अगर हमारा घर भी टूट गया तो हम क्या करेंगे? जब टूटेगा तो देखा जाएगा। चिड़िया, कबूतर और तोता तेज बारिश में उड़ते उड़ते दूसरे जंगल तक पहुंच जाते हैं। घने जंगल में उन्हें एक पेड़ के नीचे एक घर नजर आता है। वो घर है, शायद उसमें कोई ना हो, हम वहाँ जाकर देखते हैं। कोई है? कोई अंदर है? मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। यहाँ कोई नहीं है, हम इसी घर के अंदर छुपकर खुद को बारिश के पानी से बचा लेते हैं। घर का दरवाजा खुला था, तीनों दोस्त घर के अंदर चले जाते हैं। सामने एक काली बिल्ली बैठी हुई थी, उसे देखकर सब डर जाते हैं। म्याऊ, ना डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई पक्षी खाने वाली बिल्ली नहीं हूँ, मैं तो दूसरों की मदद करती हूँ, इसलिए तो मैंने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ रखा था। कोई भी बारिश से बचने के लिए मेरे घर में आ सकता है। म्याऊ। काली बिल्ली, हमारे घर टूट गए, हम सब बहुत मुसीबत में हैं। जब तक दिल करे तुम सब यहाँ रह सकते हो। तोते, हरे तोते, तुम बहुत डरे हुए हो, इसे तुम अपना ही घर समझो। बिल्ली मौसी का घर, ये घर तुम्हारी काली बिल्ली मौसी का है। म्याऊ। चिड़िया, मुझे डर लग रहा है, हमें यहाँ से जाना होगा। यार तोते, इतने प्यार से काली बिल्ली बोल रही है, हम आज की रात यहाँ ही गुजार लेते हैं और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। म्याऊ। तोते, तुम्हारे दोस्तों बहादुर हैं, तुम क्यों इतने डरते हो? मेरी माँ को एक काली बिल्ली ने ही खाया था। मैंने तो नहीं खाया था ना, होगी कोई बुरी काली बिल्ली, मैं तो अच्छी काली बिल्ली हूँ। म्याऊ। फिर वो सब काली बिल्ली के घर में ही रुकने का फैसला करते हैं। वो सब थके हुए थे, इसलिए चिड़िया और कबूतर तो घर के अंदर जाते ही थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। मगर तोता जाग रहा था, क्योंकि उसे काली बिल्ली से बहुत डर लग रहा था। लगता है सब सो गए, अब मैं इन्हें काट कर फ्रिज में रख लेती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका शोरबा बना कर पीऊंगी। काली बिल्ली रसोई में जाती है और अपना चाकू तेज करने लगती है। तोता उठकर आहिस्ता आहिस्ता काली बिल्ली के पीछे जाकर देखता है। काली काली बिल्ली, हरा हरा तोता खाएगी और मोटी ताजी हो जाएगी। हा 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 हा, बरसों बाद इतनी बड़ी पार्टी करने जा रही हूँ। मैं अपनी बहन को भी बुला लूँगी और अम्मा को भी। कबूतर का शोरबा मेरी अम्मा बहुत पसंद करती है। म्याऊ म्याऊ। चिड़िया, कबूतर उठो। काली बिल्ली हरा हरा तोता खाएगी और मोटी ताजी हो जाएगी। ला 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 ला। कुछ सुना है, वो रसोई में जाकर चाकू तेज कर रही है, यहाँ से जल्दी निकलो। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ आती है तो घर में कोई भी नहीं था। मेरी तो किस्मत ही खराब है, हाथ आया शिकार फिर से निकल गया। काली बिल्ली वहाँ बैठकर रोने लग जाती है।
वो सब डरे हुए थे, इसलिए वो तो बारिश में भी बहुत तेज उड़ रहे थे। फिर उन्हें सामने एक बड़ा सा मशरूम का घर नजर आता है जो अंदर से खाली था। वो सब उस मशरूम के घर में जाकर छुप जाते हैं और खुद को बारिश से बचा लेते हैं। पीछे कौवों का घर तो रात को ही टूट कर गिर गया था और गौरी कौवी की पूंछ दरवाजे के नीचे फंसी हुई थी। कालू कालू प्लीज किसी तरह मेरी पूंछ निकालो, वरना मैं मर जाऊंगी। गौरी, जंगल में कोई दूसरा पक्षी नहीं है जो हमारी मदद करे, अब तो तुम्हारी पूंछ को काटना ही होगा। ऐसे कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है।